हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन रेक्टो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब नहीं करा है, और एज ऑलवेज अगर वीडियो है तो वीडियो को लाइक करना दोनों, एंड अगेन चैनल को भी सब्सक्राइब करना दोनों, गाइस वीडियो को भी शेयर करना दोनों। सो गाइस, आज का टॉपिक आपने टाइटल देख लिया होगा, वाइपर फॉर एंड्रॉइड कैसे उसको इंस्टॉल करना है किसी भी स्पेसिफिक डिवाइस पर। जरूरी मैं वीडियो पोको फोन में बनाऊँ तो ये मैथड जरा पोको फोन भी वर्क करेगा, किसी पर भी आप ये मतलब ट्राई कर सकते हो मैथड, ऑब्वियसली आर वर्किंग होगा। बट एक कंडीशन रहेगी, रूट एक्सेस आपको चाहिए होगा, सो विदाउट रूट इट विल वोंट वर्क गाइस। यू नीड रूट एक्सेस गाइस, मतलब मैं इसका इंस्टॉल होना चाहिए आपके फ़ोन में, इन शॉर्ट बोलो तो। सबसे पहले आपने क्या करना है यार, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दो दे दूंगा, एक आपका वाइपर फॉर एंड्रॉइड का APK होगा और एक आपका zip फाइल हो गया। सो लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जी ड्राइव में आपको दे दूंगा मैं। सबसे पहले आपने करना है ये फाइल मैनेजर आपने ले लेना है, FX फाइल मैनेजर, इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे तो सही रह जाएगा स्टिल, बट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेन स्टोर में जाना है सबसे पहले, जो हमारा हमें APK इंस्टॉल करना है वाइपर फॉर एंड्रॉइड, ये रहा आपका, एक मिनट, इसको हमने इंस्टॉल पे कर देना है। बहुत इजी स्टेप है यार, कोई मतलब बड़ा इतना वो नहीं है। डन पे का नाम क्लिक कर देना, बैक आना, बैक आने के बाद सबसे पहले आप जो हमारा APK है ये रहा वाइपर फॉर एंड्रॉइड, इसको हमने खोल देना। अब यहाँ पे लिखा होगा नो ड्राइवर्स फाउंड, तो ओके करो भाई। और जो आप मैंने वही कहा कि रूट एक्सेस आपको नेसेसरी होगा, तो ग्रांट करके फ़ोन अपने आवाज रिबूट हो जाएगा। सो वेट करते हैं, बहुत इजी स्टेप है, कोई मतलब लंबा स्टेप नहीं है। सो रिबूट टू सिस्टम करने के बाद अपने आप ही रिबूट हो जाएगा। अब गाइस आपने करना है जो आपका वाइपर फॉर एंड्रॉइड है, इसको आपने अभी ओपन नहीं करना भाई, ठीक है। सो ये FX फाइल मैनेजर में जाना है, नो एड्स वाला, तो ये सबसे बेस्ट है फाइल मैनेजर, इसको भी यूज़ कर लेना जो अभी थोड़ी देर पहले कहा था। तो मेन स्टोरेज में जाना है, मेन स्टोरेज में जाने के बाद अब आपको तीन फाइल्स कॉपी करने, कहीं भी आप फोल्डर में कर सकते हो। ये रहा जैसे वाइपर डॉट जिप, इसको ओपन करना है फाइल्स, ये आपके 1, 2 हाँ चार फाइल्स आपको करनी है कॉपी। जैसे एक्सट्रैक्ट करा, एक्सट्रैक्ट मेन स्टोरेज, और जैसे मैं इसको मतलब एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी फाइल्स रहेगी, जैसे मैं कर देता हूँ मूवीज़ के फोल्डर में, सो एक्सट्रैक्ट हेयर, यहाँ पे आपकी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो रही है। इसको वेट एंड वॉच, ऑलमोस्ट गाइस कंप्लीट होने वाली है फाइल्स आपकी। टोटल कितना आइटम्स है, 2189 आइटम्स है, अभी कंप्लीट हो चुके भाई 1700 ऑलमोस्ट। सो वेट एंड वॉच करो थोड़ा। सो गाइस फाइल्स यहाँ पे कॉपी हो चुकी है, वाइपर डॉट जिप में आ जाते हैं, फिर आपके मेन स्टोरेज में आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो फाइल्स कॉपी करी थी मैंने मूवीज़ वाले फोल्डर में, सो यहाँ पे मैंने, या तो आप दोबारा सेलेक्ट करना है आपने जो ये फोल्ड चार फोल्डर्स है, चाहे तो आप कट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो, कि हमने फिर अब ये चार फाइल्स को एंड्रॉइड के फोल्डर में ले जाना है, जहाँ पे आपको पता होगा वाइपर फॉर एंड्रॉइड का सेक्शन होगा, अलग से फोल्डर होगा, समझ गए होगे। तो हम गाइस इसको कर देते कॉपी, ये रहा आपका मेन स्टोरेज, एंड्रॉइड में जाना है, और आपका डेटा, ये रहा डेटा के बाद आप देख सकते हो ये रहा आपका वाइपर फॉर एंड्रॉइड। ये मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा कि आपको इधर लोगो भी दिख जाएगा, जैसे सारे से स्पॉटिफाई का आ गया, वाइपर फॉर एंड्रॉइड का आ गया, तो आपको मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगी कहने का मीनिंग, इन शॉर्ट। तो इसमें जाना है और फाइल्स में जाने के बाद इसको कॉपी कर देना है, और आप इसको पेस्ट कर दो, ये कहेगा भाई पहले से एग्जिस्टिंग है फोल्डर्स, तो आप इसको ओवरराइड भी कर सकते हो। सो हमने गाइस ओवरराइड यहाँ पे कर देना, क्यों ओके कर दिया, अब जो भी यहाँ पे फाइल से दोबारा आपकी कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी। सो सारी फाइल्स गाइस यहाँ पे आपकी कॉपी हो चुकी है, कंप्लीटेड टास्क यहाँ पे नीचे आपका लिखा हुआ आ चुका है। तो सारी फाइल्स यहाँ पे, वो तो पहले से एग्जिस्टिंग था बट हमने गाइस एक तरह से ओवरराइड कर दिया, तो यहाँ पे जो भी आपकी फाइल्स था इधर कॉपी हो चुकी है। सो गाइस ये सब कॉपी करने के बाद हमने क्या, अब हमने क्या करना है, एक बार रिबूट टू हमने फ़ोन को सिस्टम कर देना है। सो रिबूट टू सिस्टम, रीस्टार्टिंग आपका भाई, ये की बात है। सो गाइस रिबूट टू सिस्टम करने के बाद अब आपने करना है जो हमारा वाइपर फॉर एंड्रॉइड APK है उसको इधर हम ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपका सारा आ चुका है। अब एक मिनट, सबसे पहले हमने ईयरफोन को भाई प्लग इन कर लेना है, ताकि बैकग्राउंड में अभी हमने एक दो सेटिंग्स करनी है, तो ईयरफोन भी एक बार प्लग कर लेते हैं। यहाँ पे आपका हेडसेट भी आ चुका है, और बैकग्राउंड में भाई एक म्यूज़िक भी ऑन कर देते हैं, स्पॉटिफाई का है ना आपका, एग्जांपल जैसे ईयरफोन का प्लग इन कर लें, सॉन्ग भी एक बार बैकग्राउंड में हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे आपका डन हो चुका है, दोबारा वाइपर फॉर एंड्रॉइड APK खोलना है, और अभी अब इधर हमने जो आपकी प्रोसेस्ट है उसको इधर हम गाइस सेलेक्ट करना है। सो आप हमने प्रीसेट सेलेक्ट करना चाहिए, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कोई भी कर लेते हैं प्रीसेट यार, इसे लीस प्रीसेट 5.0 भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शनल है जो भी सिलेक्ट करना आप कर सकते हो, रिकमेंडेशन यही है। तो इसको हमने अब लोड पे कर देना, यहाँ पे आपका मास्टर पावर भी यहाँ पे ऑन हो चुका है, जो आपका प्रेसेट है 5.0 इधर आपका हो चुका है।
ठीक है। अब गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, जैसे हम यहाँ पे हम टैप करेंगे तो आप इधर जितनी जॉब आई मीन जॉब का ड्राइवर स्टेटस है वो इधर जितनी जॉब की प्रोसेसिंग है वो स्टिल यहाँ पे नो है। तो आपने करना है मास्टर पावर को दोबारा गाइस ऑफ करना है, सेटिंग्स में जाना है और जॉब की एड आई मीन अटैच ऑडियो इफेक्ट्स है इसको ऑन कर देना है, और दोबारा आपने मास्टर पावर को ऑन कर देना है। बैक आना है, बैक आने के बाद गाइस दोबारा आपने एक बार इसको वाइपर 400 को खोलना है, और अब मास्टर पावर तो आपकी ऑब्वियसली थी, और आप गाइस देख सकते हो जॉब की प्रोसेसिंग वो भी इधर यस हो चुकी है। बट जैसे ही हम गाइस जो आपका सेटिंग में जाओगे अटैच ऑडियो इफेक्ट्स को हम डिसेबल कर देंगे, तो दोबारा जो आपकी गाइस ड्राइवर स्टेटस में जाओगे तो आपकी जो प्रोसेसिंग है स्टिल यस आएगी। वो किसी किसी पे वर्क करता है, किसी को वर्क नहीं करता, बट स्टिल हमने जो अटैच ऑडियो इफेक्ट्स है गाइस इसको ऑन रखना है। तो आप इधर देख सकते हो जो आपकी प्रोसेसिंग भी है वो इधर यस है, ऑडियो फॉर्मेट भी सपोर्टेड है, सैम्पलिंग डेट भी सब कुछ इधर जो आपका ड्राइवर स्टेटस है यस है। बट जैसे ही फर्स्ट टाइम आप वाइपर फॉर एंड्रॉयड आप ओपन करोगे, आपने एक बार मास्टर पावर ऑफ को जो मास्टर पावर है उसको एक बार ऑफ करना है, फिर सेटिंग में जाना है, फिर सेटिंग में जाने के बाद अटैच ऑडियो इफेक्ट डिसेबल रहेगी उसको इनेबल करना है, फिर आपने मास्टर पावर को इनेबल करना है दोबारा, और फिर आपने ड्राइवर स्टेटस में देखना है कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो इधर यस है। सो ये गाइस टोटल है। अब आप कोई भी अगर आपने जैसे गेमिंग करनी है, पबजी खेलनी है, या कोई मूवी देखनी है, कोई सॉन्ग सुनना है तो आप कर सकते हो। जैसे पीछे में अभी ऑन कर ही रखा था मैंने बैकग्राउंड में सॉन्ग। सो गाइस ये टोटल थी, और कोई भी अगर आपने प्रोसेस एड ऑन करना है तो आप कर सकते हो, वो आपकी ऑप्शनल है यार। और इधर सब कुछ मिल जाएगा भाई, स्पीकर का हो गया, आप ब्लूटूथ का हो गया, और इधर आपका यूएसबी का हो गया। बहुत अच्छा है यार वाइपर फॉर एंड्रॉइड, और सबसे इजी सब है इसको इंस्टॉल करने का किसी भी स्पेसिफिक डिवाइस पे, ऑन एनी एंड्रॉइड डिवाइस यार इन शॉर्ट बोलो। सो गाइस टोटल वीडियो थी, अगर वीडियो है तो वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, वीडियो को भी शेयर करना भूलना, एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, लिंक विल बी आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। दो फाइल के हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसके मिल जाएंगे, सिंपल है, बस मेल्स एक्सेस आपको होना चाहिए, मतलब रूट एक्सेस होना चाहिए, विदाउट रूट इट वोंट वर्क गाइस। सो इन सिंपल आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, मिलते हैं इस वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।